हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल से गोटे से बहुत ही अमेजिंग फ्रिल लेस बनाना बताऊं, जिसे आप अपने दुपट्टे पर, कुर्ती पर, किसी भी चीज़ पर लगा सकते हो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक इंच चौड़ा एक गोटा लिया है। इस पर हमें सबसे पहले इस तरीके से प्लेटें डालनी हैं, छोटी छोटी इस तरीके की प्लेटें डालनी हैं। ठीक से एक के बाद एक इस तरीके की हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। ये फ्रिल जितनी भी आपको लेस की लेंथ चाहिए हो, जितनी भी लंबी आपको लेस चाहिए हो, उतनी ही लंबी आपको ये फ्रिल तैयार करनी है गोटे से। इस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक इस तरीके की हम छोटी छोटी प्लेटें डालते जाएंगे। ऐसे ही प्लेटें डालकर हम पूरी ही फ्रिल को तैयार कर लेंगे। और ईद का मौका है तो मार्केट बंद है, तो आप इस तरीके से अपने दुपट्टे के लिए घर पर ही लेस तैयार कर सकते हो। बहुत ही ट्रेंड में ये लेस चल रही है, आप इसको घर पर बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके की पूरी ही फ्रिल को यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे। आपको मैं यहाँ पर बहुत थोड़ी ही लेस बनाकर बता रही हूँ, वो छोटी सी लेस को यहाँ पर हम तैयार करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरी ही लेस को तैयार करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएंगी। तो मैं छोटी सी लेस यहाँ पर आपको बनाकर बता रही हूँ। तो हमारी यहाँ पर फ्रिल एकदम तैयार है। इस तरीके आपको लेस के लिए फ्रिल को यहाँ पर रेडी करना है। इसके बाद अपने गोटे को लेंगे। गोटे को इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड कर हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस पर सेंटर की क्रिच इस तरीके से बना लेंगे। जितनी लंबी हमने यहाँ पर फ्रिल तैयार की है, उतनी ही लंबी यहाँ पर हम गोटे को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हाथों से अच्छे से इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसके नीचे की साइड फ्रिल को गोटे के नीचे की साइड इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड रखते हुए फ्रिल को इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा गोटे को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से गोटा फ्रिल लेस एकदम तैयार है। आप इसको कुर्ती पर, दुपट्टे पर, किसी पर भी लगा सकते हो, जो बहुत ही इजीली आप इसको घर पर तैयार कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।